ओम जी प्रणाम। आज आइए जानेंगे वैशाख महीना में अर्थात 24 अप्रैल 2024 से लेकर 23 मई 2024 तक क्या क्या परहेज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और क्या क्या थोड़ा खा सकते हैं, अर्थात क्या क्या फल अनाज सब्जी मसाले चिकनाई आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और क्या क्या थोड़ा खा सकते हैं। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार जुड़े हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए। अनाज में बाजरा ना खाएं, इसी तरह दाल में उड़द मसूर कुल्थी दाल ना खाएं, सब्जियां में मेथी बैंगन गाजर मूली फूलगोभी पत्ता गोभी ना खाएं, फल में पपीता ना खाएं, मसाले में मेथी राई लाल मिर्च हींग सौंठ लौंग जायफल जावित्री नई इमली ना खाएं, चिकनाई में अलसी वनस्पति घी डेरी का घी बटर बिल्कुल ना लें, गव्य पदार्थों में चीज जिसे छेना बोलते हैं दही पनीर भी ना खाएं, अन्यान्य में आयोडाइज्ड नमक सफ़ेद शक्कर अर्थात चीनी फ्रिज का ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स चाय कॉफ़ी नया गुड़ अचार सभी खमीर वाले चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, मेवा टॉनिक काजू पिस्ता भी ना लें, औषधि में लहसुन भी बिल्कुल ना खाएं, परंतु थोड़ा ले सकते हैं। अनाज में पुराना गेहूं थोड़ा ले सकते हैं, सब्जियां में थोड़ा ले सकते हैं और भी टमाटर चुकंदर ले सकते हैं, फल में आम लंगड़ा आम दशहरी आम थोड़ा ले सकते हैं, मसाला में अदरक सौंफ राई मेथी अजवाइन काली मिर्च थोड़ा ले सकते हैं, रस में खट्टा नमकीन तीखा चीज़ें थोड़ा ले सकते हैं, चिकनाई में तिल का तेल, गव्य पदार्थों में लस्सी श्रीखंड गौमूत्र थोड़ा ले सकते हैं, अन्य में शहद और औषधि में प्याज थोड़ा खा सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें कमेंट करें शेयर करें, यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, सभी को ओम नमस्कार प्रणाम।